नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है, इसी बीच हैरान करने वाली खबर आ रही है। मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने केंद्र और लगभग 1.5 महीने पहले कर्ज लेने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है। अब मोहन सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है, जिसे 2 किश्तों में लिया जाएगा। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक 6 अगस्त को ऑक्शन होगा और 7 अगस्त को कर्ज की राशि मिल जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल 5,000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। पहला कर्ज 2500 करोड़ रुपए का 11 साल के लिए लिया जाएगा, वहीं दूसरा 2500 करोड़ रुपए का कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का करीब 4,00,000 करोड़ का बजट है और लगभग उतना ही कर्जा पहुंच गया है। औसत हर महीने सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले ही खराब बताई जा रही है, अब एक और नया कर्ज MP सरकार के वित्तीय संकट के दलदल में फंसने का इशारा कर रहा है। आप सब यह भी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही वित्त विभाग ने 125 योजनाओं की राशि वित्त विभाग की अनुमति से जारी होने का आदेश जारी किया था। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि इन 125 स्कीमों के लिए जो पैसा खर्च होगा वह बिना वित्त विभाग की अनुमति से या उसके डायरेक्ट परमिशन लेनी होगी, इसके बगैर नहीं किया जाएगा। जिसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि मध्य प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से कई योजनाओं के बंद होने का खतरा है। अब देखना यह होगा कि आखिर और कब तक मोहन सरकार कर्ज कर मुक्त की रेवड़ी बांटती है। योजना के हितग्राहियों को तोहफा दिया गया रक्षाबंधन पर, 40 लाख हितग्राहियों को 450 रूपए में सिलेंडर दिया जाएगा। मुझे दुख होता है कि मीडिया मैनेजमेंट करके इवेंट बनाने की कोशिश में सरकार धोखा देती है। आपने 1,30,00,000 बहनों को, लाडली बहनाओं को 450 रूपए हर महीने सिलेंडर देने की बात कही थी। राखी पे 450 में सिलेंडर, वो भी 40,00,000 को। यानी जो बची हुई 70,00,000 बहने थी उनके साथ धोखा है या नहीं है? और हर महीने बात हुई थी, साल में एक महीने देने की बात हुई थी। ये बार बार एहसास कराता है कि इनको मत का मद सर पे चढ़ गया है। जो 3,000 देना था वो 1,200 दे रहे हैं। जो 450 रूपये में गैस सिलेंडर सबको अवेलेबल कराना था उसे 40,00,000 को करा रहे हैं, एक महीने करा रहे हैं, पूरे 12 महीने कराना था। ये बार बार धोखा देने की प्रवृत्ति इनको सबक सिखाएगी। क्या जनगणना की बात कर रहा है राहुल गांधी को? बार बार ये ओबीसी ST SC और जो दलित परिवार के लोग हैं, जो देश का आम नागरिक है, जो वंचित है, पीड़ित है, जो दुखी है, जो ये चाहता है कि देश के संसाधन पर उसका भी अधिकार है, उसका अपमान करते हैं अनुराग ठाकुर। ये बता के कि जिसकी जाति का पता नहीं, ये यही तो पता करने की कोशिश है। ये शब्द, ये अहंकार, ये भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और अनुराग ठाकुर जिस तरीके की भाषा बोली है, ये देश का अपमान है। ये राहुल जी के लिए उनने जो बातें कही, ये अपनी जगह हो सकती है, क्योंकि उनकी सोच ही नफरत और घृणा की है, इसी तरह के वक्तव्य की है। पर ये देश के साथ धोखा है, उन भाइयों के साथ जो ST SC OBC के हैं, ये आपकी गणना नहीं कराना चाहते हैं, आपको धोखा देना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं। तो ये देश देख रहा है, वो वर्ग देख रहा है जो जातिगत जनगणना के भाव को जीना चाहता है। हाँ, वायनाड में जिस तरीके की भूत खनन हुआ है, ये मतलब दुख का विषय है। और आज राहुल जी वहां गए भी हैं। मैं मानता हूं कि सरकार को दरवाजे खोल देने चाहिए खजाने के और वायनाड में मदद करनी चाहिए लोगों की। अपने आसपास की अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें अनोखी आवाज के साथ।